देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक के कक्षा 6 का कविता है अनाम। कविता के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। यह कविता जो है बहुत जज्बाती कविता है। इसका कुछ शब्द अर्थ अरमान लालसा इच्छा अमर नहीं मरने वाला नहीं मरने वाला सर्वस्व सब सब कुछ है ना उत्साह उमंग जो है ना धूम लगन ऐसी लगन कुछ कर गुजरने की लगन है ना। इस कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे और इस कविता को पहले मैं एक बार हाव भाव के साथ सुनाते आप लोग देखिए और जिस ढंग से आपको मैं हाव भाव के साथ कविता को सुनाते हैं आप लोगों को भी कविता को सुनाना। चौके ही अरमान ही हम कुछ कर दिखलाएंगे हम मरने वाले दुनिया में अमरों में नाम। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं जो लोग उम्मीद मार कर बैठे हैं उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगानी है फिर से उत्साह जगानी। रोको मत आगे बढ़ने को आजादी के दीवाने हम मातृभूमि के सेवा में सर्वत उछावर लगाए। उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं हम उनका मान बढ़ाएंगे जग में नाम कमाएंगे। आप लोग आइए हमारी छात्रा जो है कविता को आप लोग हाव भाव के साथ सुनाएं। कहता है पाठ से आपका जो पाठ है उससे ही है प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों करें। इसलिए आप देखिए कोई भी प्रश्नोत्तर जब अपने शब्दों में लिखिएगा तो बेहतर होगा अपनी भाव से लिखिए तो आपकी भावना व्यक्त होगा ऐसे हम बता देते हैं। कुछ कहता है गरीबों को गले लगाने और सुखी बनाने हम मानव है ना आदमी है तो मानव क्या कर्तव्य है कि जो हमसे पीछे है जो गरीब है उसे क्या करना है सहयोग करना है सहारा देना है। अगर उस गरीबों पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो गरीब जहां है वहीं के वहीं रह जाए है ना। इसलिए हमें गले लगाने का मतलब उसे हम सहयोग करना है उसे हमें आगे बढ़ाना है।
इसलिए समाज के कर्तव्य है ना सबके जीने का रहने का बराबर। दूसरा है इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है ना, कहता है कि जो हारे हुए व्यक्ति बेटी भले हार गई लेकिन उसके अंदर सब चीज है, तमन्ना है, इच्छा है, लेकिन थोड़ा हार गई तो उसे व्यक्ति को क्या करना, गुस्सा जगानी है और उसे व्यक्ति को फिर से उतार देना, हार के बैठ गई है उसको फिर से उतार देना। कोई बच्चा इस हम लोग का विद्यालय पढ़ने नहीं आता तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि बच्चा को फिर से उत्साह जगाए कि नहीं तू पढ़ सकता है, तू दौड़ सकता है, तुम खेल सकते हो। इसलिए औसे व्यक्ति को हमें क्या करना है, उत्साह को जगाना है ना, उत्साह को जगाना है। फिर कहता है इन पंक्ति के भाव स्पष्ट, रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाए। कहता रोको मत, रोको मत आगे बढ़ने है ना, जो हमारे वीर होते है ना, क्या किसी को भी पराधीनता स्वीकार है, पराधीनता स्वीकार है, आप स्वतंत्र रहकर ही क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं है ना, अपनी सोच को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए कहता है रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने जो देखते हमारे सेना होता है ना अपने देश की आजादी के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं ना, शहीद हो जाते हैं, वीर शहीद हो जाते हैं ना। इस तरह से जो है हम उन वीरों को रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे और उसको जो है आगे बढ़ने देंगे। फिर कहता बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना है। बूढ़ा जो व्यक्ति है अपूर्व, देखिए उनका जो आदर्श जो परंपरा था हमारे पूर्वजों का, उस परंपरा को क्या करें, हमको बरकरार रखना है, मान सम्मान रखना है ना। पहले के लोग और आज के लोगों में क्या हो रहा, बदलाव हो रहा है ना, सभी जगह ग्रामीण क्षेत्र हो और चाहे आपको शहरी क्षेत्र, जो हमारी परंपरा था, जो हमारी विरासत था, उसको कहीं न कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं है ना, भूलते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, समाज में हराश हो रहा, कई तरह के हराश हो रहा है ना। इसलिए हमें कोशिश करना है, हमारे बूढ़े हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी जो बताए गए रास्ते हैं, जो उनके बनाए हुए रास्ते हैं, उस पर हम आशक्त होने का कोशिश करें, तभी हम अच्छे समाज अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते। पाठ से आगे बढ़ता इस कविता में कौन सा अंश आपको सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला है, विवेचना करें। ये जो कविता है, ये जो पंक्तियां है, सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला आपका कौन लगा, तो सबको तो एक नहीं हो सकता, कुछ को कुछ हो सकता है ना। मान लिया हमको लगा कि सबसे झकझोर देने वाले पंक्तियां लगा कि जो लोग गरीब भिखारी हैं उन पर में किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, तो हो सकता है कि आपको दूसरा पंक्ति भी अच्छा लग सकता है ना। कोई भी लग सकता है कि जो लोग उम्मीद मार कर बैठे हैं है ना, जो लोग हार कर बैठे हैं उनके मुझे दिमागों में फिर से उसका जगानी है, फिर से उसका। तो ये पाठ से आगे आप अपने अपने मन से सोच सकते हैं कि आप इस कविता का कौन सा पंक्ति जो है आपको जो है आत्मा छोड़ दिया, झकझोर दिया, इसलिए कि आप तो मानव है ना, मानव के हृदय पे जब तक किसी बातों को असर नहीं होगा तो उसमें मानवता नहीं, मानव और पशु में कुछ अंतर आएगा। जो वीर व्यक्ति है, कोई असहाय व्यक्ति है, आप उसको अगर सेवा नहीं करते, आप उसे सहारा नहीं देते हैं, तो आप मानवता का कोई
नाम नहीं रहना चाहिए। आप सप्तमा क्लास में पढ़िएगा आगे की कविता है मानव बनो मानव धर्म है भूल करना मन भार भी है भूल करना क्या मानव बनो मानव धर्म क्यों इससे कहीं ना कहीं मानवता होते जा रहा है मानवता में हम मानवता में क्या होनी चाहिए सहानुभूति का है ना प्रेम का भाव होना चाहिए है ना अपने देश अपने समाज के प्रति क्या होनी चाहिए निष्ठा होनी चाहिए आस्था होनी चाहिए तब ना मानव है फिर कहता आप भी कुछ शौक आमान होंगे उसको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे देखिए हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ अरमान होता है कुछ ना कुछ इच्छा होता है सबका इच्छा तो एक नहीं होता किसी को मन होता है कि हम डॉक्टर किसी का मन होता है कि हम इंजीनियर बने किसी का मन होता है कि हम कविकार बने किसी का मन होता है कि हम नेता बने तो सबका अपना इच्छा होता है तो अपने इच्छा को पूरा करने के लिए जो आपकी चाहत है उसको पूरा करने के लिए आपको कोई काम को लगन से करिएगा तब ना आप अच्छा से पढ़िएगा तब ना अच्छे विद्यार्थी बनिएगा तब ना डॉक्टर इंजीनियर बनिएगा समाज को सेवा करिएगा तब ना समाज सेवी और नेता बनिएगा तो सबको अपना अपना अलग अलग सोच और जान कि आप जिस अवस्था में जहां से पढ़ रहे हैं अच्छे और बुरे का गुण जो है इसी उम्र से आदमी को प्रवेश करना शुरू करता हमें कोशिश करना इस कविता को पढ़ने के बाद हमें यह कोशिश करना कविता पढ़ने का क्या उद्देश्य हम युवा हम कल आगे बढ़ा हूं आप देश का भविष्य तो आपको कोशिश करना है कि हम जब कविता को पढ़ रहे हैं तो हमें मानवता के भाव भाव हमें होनी चाहिए तब आप ये समाज को सेवा कर सकते फिर कहता है जन्मभूमि आमार्जित भूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए जन्मभूमि आपका जो जन्मभूमि है ना उसके प्रति आपका चाहे आपके देश के प्रति क्या लगाव होना चाहिए देश प्रेम आपस में प्रेम प्रेम करो देश प्रेम में देश के प्रति प्रेम होगा तब ना अपनी भारत माता की रक्षा के लिए जवान जो है कश्मीर बॉर्डर पे है ना लद्दाख बॉर्डर पे चीन बॉर्डर पे खड़े हुए है ना तो सब में क्या होनी चाहिए सभी व्यक्ति में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए ताकि हमारा देश जो है ना स्वतंत्र रहे जब स्वतंत्र रहेगा तो हम अपनी बातों को कहीं भी स्वतंत्र पूर्वक रख सकते हैं अभी आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा क्या करना व्याकरण से कहता है रोग मत जाने आगे रोको मत जाने क्या हुआ अल्प विराम क्या है अल्प विराम अल्प विराम को जो है सही जगह पर नहीं लगाया गया तो उसका क्या हुआ अर्थ बदल गया अर्थ बदल गया वो है कि सोचो मत काम काम करो वो है सोचो सोचो मत काम करो मत काम करो क्या होगा इसका जो है अर्थ बदल गया खाली जो है अल्प विराम को है ना लगा दें कहता है सोचो और काम मत करो अर्थ बदल गया कि नहीं हमेशा सोचते रहो काम मत करो इसका क्या होगा काम मत बदल गया यह है सोचो मत काम सोचे मत काम करो काम करके है ना ढंग से भी जब तक घर से भी बना के आपको लाइए